अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना, पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है। क्यों? अगर है तो उसकी ज़ियारत करो। वाह सदके। अगर नहीं जाओ दफा हो तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है। क्या साबित करना चाहता है तू? है तो फिर वहाँ जाके सलाम पेश करो। कैसा चावल आदमी, उसके बाद जो करना है सो करो। तुम वो बात करने वाली करें यार, कहाँ बैठे हुए। तो फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया, क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई? किड्डा बड़ा रोंद मार दे यार। तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है। कोई बात नहीं, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहाँ एक मर्द है। मर्द हूँ, जरा मुशक्कत है, जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। ठीक है जी। फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहाँ जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है। ये भी ठीक है। गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्त नहीं कोई भी उसमें। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया, भाई ये क्या है? कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम गोशी की। प्यारे जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। अच्छा। कहते जब मैं निकल आना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। वाह गुड। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया, एक टांग वायर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। छुड़ोल छाड़ देती है, संभालो। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक वायर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं? तो कहते रो पड़ी, कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था सुभान अल्लाह कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना, ऐने जोगा होया कि नहीं होया? कहानी चेक तो किया जाता है ना, एक क्लिप भी है बुजुर्गी चेक करने का तरीका। अच्छा। फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती है। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। बंदे की टोटल रोजी रोटी जो है ना जी कहानियां सुनाने पे चल रही है। कहते सात दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। मामा की उम्र मान लगा मरो। फरमाते आठवीं दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। अपने बाबियां नु रोंदे भेटदे हो ना। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी। एहे, रहा नहीं जाता। मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शेवत का कि अकली मारी गई हो भाई, इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई? ये मौलवियों की सारी स्टोरियां औरतों से शादियों से शुरू हो गए, इसके ऊपर ही खत्म होती है। इतनी करामत विच भी है, पीछे ब्याह बढ़िया सी। तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। अकल ना दी शाही कोई नहीं। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह। आवाज आई हैं, वाह भाई वाह, क्या बात है, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। यारी साढ़े नाल दे जाते कह रहे पीछे। ओ दानिश दी मौत हो गई है, ठीक है ना। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। ओ तेरा बेड़ा गर्क को बदबख्त। जलील पे होना मैं आखिरी वक्त तेरी वजह ना, ठीक है ना।